अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन हॉट एफएम 105 के ऊपर मैं सेहत यानी हेल्थ फॉर एवरीवन शो करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है। आज हम बात करेंगे यंग जनरेशन के अंदर हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स। आजकल हम देखते हैं कि हमारा जितना लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो चुका है, उसकी वजह से हम अब देख रहे हैं, पहले तो हम देखते थे कि एक सर्टन एज के बाद लोगों के अंदर हार्ट अटैक या दिल की बीमारियाँ देखी जाती थी, लेकिन अगर हम ओवरऑल दुनिया की बात करें तो इस वक्त ये भी देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में अमवात की जो सबसे बड़ी वजह है इस वक्त दिल की बीमारियां हैं। और जो हम यंग जनरेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा प्रोसेस फूड इस्तेमाल होने लग गया है और हम लोग बजाय के फिज़िकल एक्टिविटी के बाहर जाके वॉक और फुटबॉल या फिर कोई ऐसी दूसरी चीज़ों में हिस्सा लें, हम हर वक्त हमारे हाथों में स्क्रीन्स होती हैं, हमारे बच्चे, हम खुद ऐसे हो चुके हैं कि हम हर वक्त स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चे हर वक्त लैपट�ॉप्स और कंप्यूटर्स पर बैठे रहते हैं। और फिर जब मामला हाथ से गुजर जाता है तो फिर हमें याद आता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब क्या करें। और किस तरह, अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन अभी भी हम अपने आप को तो सही करना चाहें तो कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ख़ुद बेहतर होना पड़ेगा, आपको ख़ुद पहला कदम उठाना पड़ेगा। आप रोज़ अपने लिए वक्त निकालें कि हम एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ताकि आपके बच्चे भी आपको फॉलो कर सकें। स्टे ट्यून्ड एट 10 AM, आप देखेंगे कि हम यंग जनरेशन के लिए हमारा क्या प्लान है, हम किस तरह उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो डेली बेसिस पर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो 10 बजे सुनना ना भूलेगा हेल्थ फॉर एवरीवन। स्टे ट्यून्ड।